दोस्तों, आप सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कवर ब्लॉक के ऊपर। कवर ब्लॉक क्यों लगाया जाता है, उसके क्या कारण हैं और कैसे बनाया जाता है और कितने प्रकार के कवर ब्लॉक होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक बार कवर ब्लॉक के रेशियो के बारे में बताते हैं, इसके बाद उसको बनाने का रीज़न क्या है और लगाने का क्या रीज़न है। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं आज कवर ब्लॉक की, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, मिक्स रेशियो ऑफ कवर ब्लॉक ऑन ग्रेड हायर देन, क्या है, वन ग्रेड हायर देन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज इन स्ट्रक्चर। सपोज दैट, दोस्तों इसका कहने का मतलब है, यदि हम M25 कंक्रीट का हम स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं तो हमारा कवर ब्लॉक किसका लगना चाहिए, हमें कवर ब्लॉक जो यूज करना है वो करना है M30 का। हमारे कहने का मतलब है वन ग्रेड हायर देन जो हम लोग कंक्रीट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज दैट M20 ग्रेड की हमारी, M25 ग्रेड की हमारी कंक्रीट है, तो हमारा जो कवर ब्लॉक की स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, M30, ठीक है। दोस्तों इसका मतलब ये होगा, ये याद रखिए, कहीं भी यदि हमारा कंक्रीट ग्रेड यूज हो रहा है उससे एक ग्रेड अपर ही हमको कवर ब्लॉक यूज करना है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। यदि हम कवर ब्लॉक के मिक्सिंग रेशियो की बात करते हैं दोस्तों, तो जनरली जो हम लोग साइड में बनाते हैं उसमें क्या होता है, एक तो हमारा है 1:1, ये किसका होता है, ये M35 का। M35 का कहने का मतलब जो हमारे कवर ब्लॉक की स्ट्रेंथ होगी दोस्तों वो कितना होगी, 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये 28 डेज में, ठीक है। दोस्तों कहने का मतलब हमारा ये हुआ, ये किसकी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, ये हमारे कवर ब्लॉक की स्ट्रेंथ शो कर रहा है दोस्तों। 1:1, 1:1, 1:2, 1:3, ये जैसे हमने 30, 25। दोस्तों 1:1 का मतलब क्या होता है, हमारा एक पार्ट सीमेंट हो गया और एक पार्ट हमारा सैंड हो गया। यही हम दो की बात करते हैं तो वन पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा और टू पार्ट हमारा सैंड। तो दोस्तों ये तो हमारी हो गई कवर ब्लॉक के स्ट्रेंथ की, ठीक है। जनरली हम लोग इसको साइड में ही बनाते हैं। तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है, हमारे हैं टाइप ऑफ कवर ब्लॉक। कवर ब्लॉक जनरली कितने टाइप के हैं दोस्तों, पहला हमारा आता है स्टील कवर ब्लॉक। ये हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में, हमने चिमनी में स्लिप फॉर्म में हम लोगों ने स्टील कवर ब्लॉक का यूज किया है, ठीक है दोस्तों, ऑलरेडी हमारे वीडियो में अवेलेबल है। दूसरा हो गया हमारा पीवीसी कवर ब्लॉक, आजकल ये भी बहुत तेजी से चल रहे हैं, कौन से, पीवीसी कवर ब्लॉक। तीसरा है हमारा दोस्तों एल्युमिनियम कवर ब्लॉक, ठीक है। चौथा हमारा हो गया स्टोन कवर ब्लॉक, और जो हमारा पांचवा कवर ब्लॉक है जो हम लोग साइड में ही बनाते हैं और यूज करते हैं वो हमारा क्या है, सीमेंट मशीनरी कवर ब्लॉक, जिसको हम लोग 1:1 या 1:2 या 1:3 की बात करते हैं, यानी सीमेंट प्लस सैंड से जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके बनाते हैं और उसको 7 डेज पानी में बनाने के बाद 24 घंटे के बाद उसको हम 7 डेज क्यूरिंग के लिए डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे कवर ब्लॉक हो गए। अब कवर ब्लॉक हम लोगों को ऑलरेडी जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग में क्लियर कवर मेंशन होता है राइट साइड में या ड्राइंग के नीचे, ऑलरेडी डिजाइनर हमारा कवर ब्लॉक दिया होता है। जैसे हमारे फाउंडेशंस में 50 का है कि 75 का है, वो सारा चीज उसमें मेंशन होता है, या 25 mm का है या 40 mm का है। जैसे जनरली हम लोग 50 mm, 40 mm, 25 mm या 15 mm का लेते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारे ड्राइंग में ऑलरेडी क्लियर कवर मेंशन होता है। दोस्तों हमारा कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने का पर्पस क्या है, हमारा जो मेन पर्पज है दोस्तों वो है अपनी जो स्टील है, स्टील को कोरोजन से बचाना, स्टील को जंग लगने से बचाना। नहीं तो क्या होता है, जनरली सल्फर अटैक हो गया या मॉइस्चर हो गया, आप लोग देखे होंगे जो भी हमारी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं तो वो क्या होता है, जैसे हमारे स्टील में मॉइस्चर आ जाता है या कोरोजन लगता है तो वो झड़ने लगता है। और हमारा झड़ने का रीज़न क्या है, हमारा जो स्टील होता है जब उसमें कोरोजन लगता है तो उसका डाया इंक्रीज होता है, बाद में उस जो हमारा कोरोजन होता है वो झड़ जाता है। तो उसके साथ जैसे ही हमारा एक्सपेंशन होगा, बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक हमारी कंक्रीट को क्या करेगा, क्रैक करेगा, क्रैक करेगा, बाद में वो कंक्रीट हमारी झड़ जाती है। तो हमारा जो पर्पस है कवर ब्लॉक देने का वो है हमारे स्टील को बचाकर रखना, वो चाहे सल्फर अटैक हो या मॉइस्चर का हो, एनीवे कुछ भी हो, क्योंकि जिस प्रकार हमारे शरीर में मेन हमारे शरीर में सबसे ये हाथ को खड़ा रखने में या हमारे पांव को खड़ा रखने में सबसे ज्यादा हमारे हड्डी हमारा जो होता है काम करता है, सेम
कंक्रीट की हड्डी हमारी क्या है, स्टील है। उस स्टील को हमको बचा कर रखना है, उसके लिए हम लोग क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं। और वो क्लियर कवर हम लोग जो बिल्डिंग्स में हो या फाउंडेशंस में हो हम लोग लगाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी मांसपेशियां हमारी हड्डी को बचा के रखती है और कंक्रीट कवर जो होता है वो हमारी स्टील को बचा के रखता है। यही पर्पज़ है दोस्तों कवर ब्लॉक देने का। हमारा कवर ब्लॉक जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जरूर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमारा स्टील ही हमारे कंक्रीट का पूरा स्ट्रेंथ लेता है, और यदि वो प्रॉपर तरीके से कोरोजन से नहीं बचा तो हम ऑटोमेटिक हमारी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो जो हमारी कंक्रीट की लाइफ है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो हमारा पर्पस क्या है, स्टील को सेव करना, उसके मॉइस्चर से या अदर्स किसी भी चीज से उसको प्रोटेक्ट करना, यही है कवर ब्लॉक लगाने का मेन पर्पस। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी आपको कवर ब्लॉक के बारे में बताया, इसको कैसे बनाया जाता है और कैसे लगाया जाता है इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में साइड में कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।